What you have learned. As you all know that कि हम chapter के last में एक revisionary class करते हैं ताकि हमें सारे जो भी हमने points पढ़े थे हमारे chapter में वो एक बार फिर से clear हो जाएं. So first is abbreviations are utilized in advanced phraseography as follows. First is the small circle for as is us. सबसे पहले हमने एडवांस फ्रेजेस में क्या पढ़ा था, स्मॉल सर्कल पढ़ा था जिसमें हमने फ्रेजेस में जिसमें हमने यूज़ करा था फोर एज इज अस इन सब के सबका हमारे फ्रेजेस बनाने के लिए. नेक्स्ट बी द लार्ज सर्कल इनिशियली फोर एज वी एज एंड डब्ल्यू एज एंड एस मिडल मिडली For is and as, his and as and as, finally for as and has, as and is. लार्ज सर्कल को हमने इनिशियली किसके लिए पढ़ा था, as v के लिए, as in w के लिए, as in s के लिए, and middle में is और as के लिए, his and as के लिए हमारे फ्रेजेस में. ठीक है, यहाँ बात फ्रेजेस की हो रही है. देन फाइनल में हमने सर्कल एस को फ्रेजेस में हमने यूज करा था एस एंड हैज के साथ, एस एंड इज के साथ. सो जब भी ये सारे एक साथ दूसरे के साथ आ रहे थे देन क्या हो रहा था, हमारा दोनों को मिलाकर एक लार्ज सर्कल बन रहा था. ठीक है, लार्ज सर्कल ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, हमारे लार्ज सर्कल के. सी द लूप एस टी फॉर फर्स्ट द लूप एन एस टी फॉर नेक्स्ट. हमने एस टी का के लिए फर्स्ट के लिए हमने एस टी का लूप यूज करा था एंड नेक्स्ट के लिए एन एस टी का लूप. डी द आर एंड एल हुक्स फॉर अ फ्यू मिसलेनियस वर्ड. R और S, L हुक हमने कुछ मिसलेनियस वर्ड्स के लिए यूज पढ़ा था. देन E, द N हुक फॉर दैन बीन ऑन एंड ऑन. N हुक का यूज हमने किसके लिए करा फ्रेजेस में, दैन के लिए, बीन ऑन और ओन के लिए. F, द F और V हुक फॉर हैव Of, after, even, and in a few common phrases. F और V का use किसके लिए करा हमने, have के लिए, of, after, even, और कुछ common आने use होने वाले phrases में. Then G, the circle S and Shun hook for association. Circle S और शन का हुक हमने यूज करा एसोसिएशन के लिए. देन एच द हाल्विन प्रिंसिपल फॉर इट टू नॉट वुड वर्ड एंड इन ए फ्यू कॉमन फ्रेजेस. हाल्विन प्रिंसिपल मीन्स कि जो एक्चुअल लेंथ होती है हमारे किसी भी स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट की उसका हाफ लेंथ में यूज करना. जैसे ये हमारा डी है देन इसको हम अगर इसके साथ टी आता है या सपोज हमारा एफ है फोर के लिए एफ है तो अगर इसके साथ टी आ रहा है देन इसका हाफ लेंथ हो जाता है. तो हमने हाल्विंग प्रिंसिपल पढ़ा इट के लिए, टू के लिए, नॉट के लिए, वुड, वर्ड और कुछ कॉमन आने वाले फ्रेजेस के लिए. नेक्स्ट आई द डबलिंग प्रिंसिपल फॉर देयर Dear, other और dear. Doubling principle means जो actual size है suppose m है. ठीक है, ये इसका actual size है
बट अगर इनके इसके साथ देयर, डियर, अदर या डियर आता है तो इसका साइज क्या होगा? डबल, डबल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, द फॉलोइंग मे बी ओमेटेड। इनका हमने क्या पढ़ा? ओमिशन। किस किस का? फर्स्ट, कॉन्सोनेंट नॉट एसेंशियल टू फ्रेजोग्राम्स, कॉन्सोनेंट्स का जो फ्रेजोग्राम में जिनका ज़्यादा यूज नहीं है, जो एसेंशियल नहीं है, उनका हमने ओमिशन पढ़ा। द स्लाइबल कॉन एंड इन ए फ्यू अदर कॉमन स्लाइबल्स, किसका, कौन से स्लाइबल का हमने पढ़ा? कॉन का। और कुछ और भी थे स्लाइबल्स, ठीक है, जिनका हमने ओमिशन करा था हमारे एडवांस फ्रेजोग्राफी के क्लासेस में। एनी लोगोग्राम्स और लोगोग्राम्स प्रोवाइडिंग दी फ्रेजोग्राम इज लेजिबल, और कुछ लोगोग्राम्स का भी हमने फ्रेजेस में, हमारे एडवांस फ्रेजेस में उनका भी ओमिशन किया था। ठीक है, हमने टोटल 7 सेक्शंस करे हैं एडवांस फ्रेजोग्राफी के, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ हमने एडवांस फ्रेजेस बनाए हैं। ठीक है, सो हेयर इज़ दी कम्प्लीट चैप्टर ऑफ एडवांस फ्रेजोग्राफी। सो बट स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दी एडवांस फ्रेजोग्राफी चैप्टर, सो यू कैन कमेंट मी इन दी कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू देयर। आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.